बीएड फोर्थ सेम सीसी टू टॉपिक सीसी टू सब्जेक्ट आईसीटी का टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर की पांच पीढ़ियां थी, जिसमें फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1956 तक थी। फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। फिर सेकेंड जनरेशन आई जो कि 1956 से 1964 तक थी, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। फिर कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन जो कि 1964 से 1971 तक थी, जिसमें आईसी का यूज किया गया था, और आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन आई जो कि 1971 से 1989 तक थी, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप और पीसी का यूज किया गया था। साथ ही इसमें BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था। फिर फिफ्थ जनरेशन 1989 से टेल मतलब अब तक चालू है, जिसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप का यूज किया जाता है, और उसमें ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। अब हम सबसे पहले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारे 1946 से 1956 तक थे, जिसमें हम लोगों ने जिसमें कांच से बने हुए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। कांच से बने वैक्यूम ट्यूब हजारों की संख्या में यूज होते थे, इसलिए उन कंप्यूटरों का साइज बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा होने के कारण ये कंप्यूटर काम करते समय जल्दी गर्म हो जाया करते थे, और अत्यधिक मात्रा में बिजली का उपयोग होता था इनमें। फिर इसमें गणना करना, डेटा स्टोर करना और वैज्ञानिक कार्य करना बहुत आसान था। इन कंप्यूटरों में बैच ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज किया जाता था। फिर इसमें ये अधिक विश्वसनीय नहीं थे, क्योंकि ये काम करते समय जल्दी गर्म हो जाया करते थे, अधिक बिजली खर्च होती थी, इसलिए ये विश्वास के पात्र नहीं थे। फिर इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये कम समय में ही गर्म हो जाया करते थे। फिर इनके एग्जाम्पल है NEA, IBM 701, IBM 650 और यूनिबैंक। फिर जब ये कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, सबसे पहले इसमें डाटा कैलकुलेट करना बहुत आसान होता था, मतलब हम इसमें गणना आसानी से कर सकते थे। फिर दूसरा गुण है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, जो कि उस समय आसानी से उपलब्ध हो जाया करते थे। वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा महंगे नहीं होते थे, इसलिए इन्हें आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता था। फिर इन कंप्यूटरों में वैज्ञानिक कार्य आसानी से किया जा सकता था, और इसमें गणना करना और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना आसानी से हो जाया करता था। अब चूंकि इन कंप्यूटरों में कुछ कमियां थी, जिसके कारण सेकेंड जनरेशन आई, तो अब हम इनकी कमियां या दोष के बारे में जानते हैं। सबसे पहला, इसका साइज बड़ा था, इसलिए इसको मेंटेन करना आसान नहीं होता था। दूसरा, इसमें काम करते समय ये जल्दी गर्म हो जाया करते थे, और साथ ही साथ ये अधिक मात्रा में बिजली का उपयोग करते थे। फिर तीसरा, इन्हें मेंटेन करना आसान नहीं था, क्योंकि ये साइज में बड़े थे, मात्रा में गर्म हो जाया करते थे, इसलिए इसमें एसी का यूज किया जाता था, जिससे उसे ठंडा किया जा सके। कंप्यूटर को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पीरियड में।